संभल में पुलिस ने लाखों रुपए का ड्रग्स का जखीरा बरामद कर दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कैमरे के सामने महिलाओं ने झूठी बरामदगी और गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए पुलिसीय कार्यवाही का विरोध किया है। पुलिस के अनुसार ड्रग्स मटेरियल की बरामदगी और गिरफ्तारी का मामला बनियाठेड़ थाने के बेहतरी फाटक का है, जहाँ 250 ग्राम चरस, करीब 1 किलो गांजा, 10 किलो डोडा और 9000 की नकदी के साथ पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। सीओ अशोक कुमार ने जहां आरोपियों को ड्रग्स कारोबारी बताते हुए मामले का खुलासा किया, वहीं गिरफ्तार दोनों महिलाओं ने थाने में कैमरे के सामने पुलिस कार्यवाही को झूठा और फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। अलबत्ता गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने को भेजा है। खुलासा हुआ है, इसमें कितने लोग पकड़े गए हैं? क्या पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में चलाया जा रहा है अपराध नियंत्रण की कार्रवाई के तहत कल दिनांक 6/2/2021 को बनियाठेड़ थाने के प्रभारी निरीक्षक कम पुलिस उपाधीक्षक अपनी संयुक्त टीम के साथ बहतरी फाटक की तरफ गश्त में थे। इसी दौरान उनको चार लोग दिखाई दिए जो कुछ संदिग्ध समझ में आया। जब उन्होंने इनको रोका तो इनके पास से करीब 250 ग्राम चरस, 972 ग्राम गांजा और 9 किलो 800 ग्राम डोडा तथा कुछ पैसे जो 9,240 रुपये थे बरामद हुआ है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि साहब हम लोग इसको बेचते हैं और बेचने के लिए ही लेके जा रहे हैं। इसमें एक पूर्व से ही जो इसके चालान हो चुका था, एक हसीना नाम की महिला है वो थी, और प्रीति राघव उर्फ डिम्पल रानी, ये चंदौसी की पंचशील कॉलोनी चंदौसी की निवासी हैं, वो थी। रफीक पुत्र हनीफ हाता थाना चंदौसी, और चौथा व्यक्ति अकरम पुत्र अलीजान धुरे वाली जियारत थाना चंदौसी का रहने वाला है। इन चारों लोगों को पकड़ के थाने पर लाया गया। अब इनको माननीय न्यायालय चालान कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आरोपी महिलाएं हैं उनका क्या पूर्व में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, हसीना का इसके पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड चंदौसी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभी उसकी जानकारी कर आपको बाद में अवगत करा दिया।